हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और अभी ऑलमोस्ट एक घंटा पहले मैं जब लाइव आया था तब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स उसमें डिस्कस किए थे, बहुत सारी जनरलाइज टॉक डिस्कस किया था, बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए थे। लेकिन वहाँ पे भी एक डाउट था एनआईटी दुर्गापुर को लेके, जो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही थी। अभी मैंने देखा कि वेबसाइट ओपन हो रही है तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, ये अपडेट भी दे देता हूँ। ये रहा एनआईटी दुर्गापुर का पेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। लास्ट टाइम जब हमने एक वीडियो बनाया था, अभी कल ही शायद तक मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने दिखाया था कहाँ जाना है आपको, जाना है एडमिशन्स में और वहाँ पे न्यू एडमिशन्स, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तब यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिशन नोटिस UG 6। जब कल वीडियो बनाया था तब UG 5 तक था, आज ये नया नोटिस भी लगा दिया इन लोगों ने। तो एक PDF है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और PDF डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 27/11, मतलब कि आज ही अपडेट किया है। देखो पूरा पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद NIT श्रीनगर वाले बच्चों का भी थोड़ा डाउट है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। दिस नोटिस इज कमिंग UG 1 टू UG 5, कंटिन्यूएशन ही है जो UG 1 से UG 5 थे। मैंने बोला भी था कि UG 1 से UG 5 का जो नोटिस है 5, वो भी पढ़ जाना। क्या बोला है, द ऑनलाइन एनरोलमेंट पोर्टल चाणक्य ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर BTech ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम विल रिमेन ओपन टिल द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट। द कैंडिडेट सिक्योर्ड अ सीट इन NIT दुर्गापुर, कंप्लीटेड the formalities by paying the partial admission fee on Joshua to continue the enrollment. The candidates participated in CACB round but no change allotted say to pay the rest admission fee to institute and enroll immediately. The data of the freshly allotted candidates in CACB round is expected on 29/11 and they will be able to enroll 30/11 onwards. मतलब कि ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है कि जोशा वाले बच्चे सारे जिनका बाकी रह गया था, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया था, CACB वाले वो बच्चे कि जिनको जोशा में मिला था और वही सीट रिटेन हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों का उन लोग बोल रहे हैं कि 29 के आसपास डेटा आएगा एंड दे विल बी एबल टू एनरोल 30/11 ऑनवर्ड्स, मतलब कि 30 तारीख के बाद आप एनरोल कर पाओगे। देर इज रीजन ऑफ एनी पैनिक ऑफ लूजिंग अलॉटेड सीट इफ यू कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड। देखो ये चीजें हैं ना, मैंने बोला था कि आप कॉल करना वहां पे, तो कॉल किया होगा तो उन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि देर इज नो रीजन ऑफ एनी पैनिक। जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो यहाँ पे भी लिख दिया है कि भैया क्यों घबराना, आपको सीट मिली है मिली है। इफ यू कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज करेक्टली द कैंडिडेट्स डू नॉट रिक्वायर टू मेक एनी कम्युनिकेशन टू एनीवन एक्सेप्ट द डिफिकल्टी ऑफ एनरोलिंग वंस अलॉटेड सीट दे शुड फॉलो द नोटिस ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। एक बार आपका एनरोलमेंट हो जाए फिर आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जो है उसको आपको सिर्फ फॉलो करते रहना है बस। द इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट द ऑनलाइन एकेडमिक एक्टिविटीज फर्स्ट सेमेस्टर ओनली आफ्टर द एडमिशन इज कंप्लीट बट नॉट बिफोर 3rd December, मतलब कि 3rd December से पहले तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा तो वो लोग करेंगे आगे एक्टिविटी स्टार्ट, ठीक है। तो ये था डिटेल्स, और मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहाँ जाना है। UG 5 में शायद एक लिंक था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। देखो ओपनिंग ऑफ एनरोलमेंट पोर्टल, यहाँ पे एनरोलमेंट पोर्टल का भी डिस्कशन किया है ये UG 4 वाले लिंक में, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो लिंक है यहाँ पे सारा का सारा, कब होना था वो भी लिखा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक हमें यहाँ UG 5 में भी था शायद तक, मैं दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके, UG 5 में भी लिंक गिवन था। देखिए यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं है वैसे तो, नो इश्यूज, ठीक है। मेन वेबसाइट पे मैंने कहीं पे तो आपको लिंक दिखाया था, वो आप जाके चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जो लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने आपको दिखाया था कि लिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो नए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, आप जाइए वेबसाइट को थोड़ा झंझोड़िए, आपको पूरा का पूरा नोटिस मिल जाएगा, ठीक है, पोर्टल का। या फिर मे बी उन लोगों के पास जब डेटा आ जाएगा तब वो लोग आपको ईमेल भी करने वाले थे शायद तक, ऐसा भी था। जो लास्ट वाला वीडियो था वो मेरा पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, और एक बार आप जो पूरी 6 नोटिस है UG 1 से लेके UG 6 तक वो सारी एक बार थ्रू आउट पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ये बात हो गई NIT दुर्गापुर की, बाकी एक मुझे बात आ रही थी NIT श्रीनगर की, तो वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, लिख लेते हैं NIT श्रीनगर, ठीक है। उसका बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर उसका कुछ आ नहीं रहा है, NIT श्रीनगर, ठीक है, देख लेते हैं उसका भी। ये हो गया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे हम जाके क्लिक करते हैं NIT श्रीनगर की। तो यहाँ पे है हमारे पास, मैं भी पहली बार ही विजिट कर रहा हूँ आज वेबसाइट, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे है। स्टूडेंट नोटिफिकेशन में शायद तक हमारे काम की चीज़ हो सकती है, देख लेते हैं थोड़ा मेन पेज, मैं इसी तरह से देखता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एडमिशन, ये भी हमारे काम का हो सकता है, ठीक है, अबाउट NIT श्रीनगर, और यही बस, दैट्स इट है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या है।
कलेक्शन ऑफ हॉस्टल बिलोंगिंग्स, सप्लीमेंटरी रजिस्टेंस, एमटेक डिटेल, एडमिशन नोटिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स एंड, यहाँ पे तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, बैक चले जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है एडमिशन वाला नीचे, इंपॉर्टेंट है उसमें एडमिशन, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एडमिशन है NIT श्रीनगर। देखो 26 नवंबर को अपडेट हुआ है जोशा CACB वाला, ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ पे लिखा है देखो, अर्जेंटीनियन इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर बीटेक बैच 2020, PDF डाउनलोड हो रहा है देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा है उन लोगों ने, यहाँ पे लिखा है कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस, मैनी फोन कॉल्स और बाकी सब उन लोगों का आया था एकेडमिक्स ऑफर ऑफिस में ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेके। इन दिस रिगार्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन आर बी फॉलोइंग, जो फॉलोइंग है वही सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने बता दी है। देखो क्या है वो, प्लीज़ गो थ्रू द गाइडलाइंस ऑफ द ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपलोड है, टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहो, वही बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट देखो, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द लिंक ऑफ एनरोलमेंट नो आर इन्फॉर्म टू वेट टिल 30th नवंबर। अगर आपको लिंक नहीं मिली है तब आपको 30th नवंबर तक वेट करना है। प्लीज नोट दैट नो स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रिपोर्ट फिजिकली, दोज हु हैव गिवन गॉट द एनरोलमेंट नंबर प्लीज फिल योर डिटेल्स एंड वेट फॉर द क्लासेस टू बी लॉग इन, बी इन टच विद द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। दोज हु हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड सीट इन जोशा एंड CACB शैल बी रजिस्टर्ड सब्सिक्वेंटली, देर इज नो नीड टू अपलोडिंग एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd नवंबर। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एनरोलमेंट नंबर रोल आईडी शैल बी मेड अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट आफ्टर 30th नवंबर। 30th नवंबर के बाद ही पूरा कामकाज होगा। मोस्टली आपको अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा वहीं पे आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी ये चीज़ नहीं बता रहा है, मैं कितना बता बता कर थक गया गाइस, कि आप घबरा क्यों रहे हो। दुर्गापुर वालों ने तो वेबसाइट PDF में डाल दिया है कि आपका कैंडिडेटचर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। आपको इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना है कि भैया 10 दिन हो गए मैंने चेक ही नहीं किया, वीडियोस देखते रहो मेरे कंटिन्यूअसली, वेबसाइट विजिट करते रहो। उन लोगों ने बोला है कि 30th के बाद होगा, 30th के बाद होगा। तो आई होप NIT दुर्गापुर NIT श्रीनगर वालों का सबसे ज़्यादा डाउट था, कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे, तो मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया होगा। ये वीडियो को हो सके जितना हो सके उतना सबको फैला दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।